आगू ने बलदेव सिंह सिरसा ने उन्होंने गल करांगे अज की गल हुई है अंदर जी प्रशासन नाल मीटिंग सी। हाँ जी सिरसा साहब वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। वाह खालसा जी फतेह जी। अज जी की मीटिंग च सिट्टे निकले ने जी प्रशासन नाल मीटिंग सी करनाल दे विच। कोई सिट्टा नहीं जी, बेसिट्टा मीटिंग है। असल गल है कि इस कांड दे पिछे जो 28 तरीक नूं हरियाणे दे विच निर्दोष निहत्थे किसानां ते मतलब कि जिहड़ा डाक सुट्टा चलिया ये केंद्र वालों एक साजिश के तहत इस धरने तार पीटो करन दी एक नीयत दे नाल जिहड़ा ओह जी जी की लग रहा है जिहड़ियां किसानां दीआं मंगां ती उहनां चों कोई मंग मन्नी गई अज की लग रहा है जिहड़ा एसडीएम नूं कोई मंग नहीं कोई मंग नहीं मन्नी गई। अगे धरने दे किद्दां दे हालात रहणगे? इस तरह ही चलेगा जी जी। ये सन किसान आगू बलदेव सिंह सिरसा जिन्हों का कहना है कि प्रशासन है जिहड़ा वो अपनियां जिहड़ियां अड़ियल नीतियां ने उन्हां ते अड़िया होया है। किसानां दी कोई भी मंग है जिहड़ी नहीं मन्नी गई धरना है जिहड़ा इसे तरह चलूगा। दरअसल विच इन्हां दा कहना है कि जिहड़ा दिल्ली दे विच धरना चल रहा है उस धरने नूं तार पिंडो करन दे लई इह सारियां चालां ने चलियां जा रहियां ने। असीं तुहानूं पल पल दी अपडेट दिंदे रहांगे, तुसीं देखदे रहो पंजाबी लोक चैनल। साडे नाल आर्टिस्ट कैत ने उहनां नाल गल जो अधिकारी था जिसकी वीडियो सबको ने देखी है तो बेहद शर्म की बात है कि इस तरह के अधिकारी को सरकार बचा रही है। भाई पर्चा दर्ज कर दो, फिर इंक्वायरी करते रहना, जिसका गलती होगी उस पर उसी हिसाब का केस बन जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, नहीं होगी तो होगा, उसका पर्चा तो दर्ज हो जाएगा। साहब इसके अलावा जो दूसरी मांगे थी उन पर बातचीत नहीं हुई? उन पर ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, उस पर भी कहा कि इंक्वायरी हम कर लेंगे सबकी, और अगर गाड़ी टूटी होगी चोट जिसका लगी होगी हम इंक्वायरी करके और उसका मुआवजा, वो कहा उन्होंने कि हम वो करेंगे। तो अब धरना जारी रहेगा? पक्का धरना जारी। कैद जिन्हों का कहना है कि अज जी प्रशासन के नाल मीटिंग हुई है वो बेसिट्टा रही है बिल्कुल, तो जरा धरना है वो इस तरह जारी रहूगा। एक सेकंड, यार इसमें आज हमारा जो है किसानों के साथ बैठक थी और आज हमने जस्ट अभी 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे के लिए हमने किसानों के साथ बैठक पूरी की है। इसमें हमारी कई दौर की मीटिंग्स हुई, 3 बारी बात चली अलग अलग, और किसानों की तरफ से कुछ मांगे थी उन पे हमने विचार किया। हमारी जो प्रस्ताव था उस पे किसानों को बताया गया, किसान नेताओं को बताया गया। मुख्य रूप से जो मांगे थी किसानों की वो एक तो ये थी कि जो 28 तारीख को बस्ताडा टोल प्लाजा पे लाठी चार्ज हुआ उस लाठी चार्ज करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जो जिन लोगों को चोटें लगी हैं इंजरीज लगी हैं उनको मुआवजा दिया जाए, जो जिस किसान की मृत्यु हुई है डेथ हुई है जिसके हार्ट अटैक से डेथ हुई है, जिसको ये बताया कि लाठी चार्ज होने की वजह से सदमा लगा और उस वजह से हार्ट अटैक आया जो कि इनका कहना है, उसको भी मुआवजा दिया जाए। इस प्रकार की उनकी बातें सामने आई और एक जो एसडीएम है जिनका वीडियो वायरल हुआ था उनके खिलाफ भी एक्शन हो, तो इस सिलसिले में हमने इनको प्रस्ताव दिया है कि सभी जो ये इंसिडेंट है 28 तारीख का इस पर हम एक जाँच विस्तृत रूप से कराने को तैयार हैं और उसमें ये पूरे प्रकरण की जांच होगी जिसमें जो भी दोषी होगा, अगर किसी किसान ने इस तरह की चीज़ की है या किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी ने की है उसके खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई होगी, ये प्रस्ताव हमने उनको दिया है। यादव जी किसान साथ ही ये भी प्रस्ताव दिया है कि अगर उसमें कोई लोग मिलते हैं जो निर्दोष हैं और उनके ऊपर कोई सरकारी की तरफ से एक्शन हुआ है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है, तो उनके मुआवजे पर भी हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। इसके अलावा हमने किसानों को कहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार जब दो पक्षों में बात हो तो सहमति ही बने, हम आगे भी इनसे बातचीत जारी रखेंगे। कल भी जो किसानों की तरफ से महापंचायत का कॉल हुआ था अनाज मंडी में और उसके बाद ये सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं मिनी सेक्रेटरेट पे, तो हमने इनको कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी, संयम का पुलिस ने जो है संयम बरता और सभी किसान संगठनों की तरफ से इस पे इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया, इसकी प्रशंसा की गई कि प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखी, किसी भी प्रकार का टकराव जो है वो नहीं होने दिया। हमने इनको स्पष्ट भी किया है कि आगे भी प्रशासन कोई टकराव नहीं चाहता और ये जो इनका धरना चल रहा है इसको ये शांतिपूर्वक चलाते रहें, किसी भी प्रकार की वायलेंस ना होने दें। सारे के सारे किसान संगठनों ने, सभी किसान नेताओं ने हमें आश्वस्त किया और बाकायदा उन्होंने घोषणा भी की है मंच से कि सचिवालय का कार्य किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाएगा और ये जो सचिवालय के सामने की रोड है इसको चालू रखा जाएगा ताकि लोगों की आवाजाही उसमें ख़राब ना हो। सो हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो और दौर बातचीत के होंगे
उससे निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान निकलेगा। सर लगता है परेशानी जिस तरह बड़े किसान एसपी साहब भी एक मिनट अपनी तरफ से बात बताएं। किसानों के साथ बैठक रही, बेनती जा रही, किसान अब धरना इसी तरह से देते हैं। देखिए जैसा कि अभी जैसे भी डीसी साहब ने बताया था, जितने भी आज किसान संगठनों के जो सम्मानित सदस्य आए थे उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि जिला प्रशासन और कल बड़ा धैर्य संयम और सूझबूझ का परिचय दिया जिससे आपसी कोई टकराव नहीं हुआ और कोई जानमाल की कोई विशेष रूप से क्षति हुई। आज भी हमारा लगातार जोर इसी बात पे था कि आपसी बातचीत से मामले का समाधान निकाला जाए, लेकिन वो जो भी प्रशासन की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था उस पर सहमत नहीं हुए। हम ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपसी ना किसी प्रकार का कोई टकराव हो और ना ही कोई का अंदर की तरफ कोई लोग आए या किसी राजकार्य को बाधित करें। उन्होंने हालांकि सीएम उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो मिनी सेक्रेटरी का जो कार्य है वो सुचारू रूप से पहले की बातें चलता रहेगा और जो जनहित के जो कार्य हैं वो उनका निपटान होता रहेगा। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि रात और दिन लगातार यहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहे। आज भी दिन में हमारी 30 कंपनियाँ और रात के समय में हमारी 30 कंपनियाँ लगातार जब तक ये धरना है हम कोशिश कर रहे हैं कि उतना डिप्लॉयमेंट रहे जितनी यहाँ पर गैदरिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग। एसपी साहब ऐसा क्या है जब एसडीएम साहब का वीडियो सामने आ जाता है जिसमें वो कह रहे हैं कि सिर फोड़ देंगे, तो उसमें किसी तरह की भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कोई भी कार्रवाई जो है, क्योंकि जो भी किसी को कहा जाता है, ब्रीफिंग दी जाती है, किसी भी तरह की इस तरह की इवन लाठीचार्ज की जो पूरी घटना हुई जिस पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं वो आदेशों के तहत, सरकारी आदेशों के तहत होती है। हमने इनको कहा है कि एक निष्पक्ष जांच करें और उसमें जो है ये भी शामिल हों जांच में, बकायदा ये अपनी बातें भी रखें, ऑब्जेक्शंस भी रखें और उन उस जांच में जो जो दोषी आएगा, जिस जिसका दोष आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिना जांच के किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी के प्रति, लोगों के प्रति जो है कार्रवाई की मांग करना बिल्कुल गलत है और वो हमने इनको समझाया है। सर किसान की ऐसी रिपोर्ट आई है, ऐसी डॉक्यूमेंट्स आए हैं, वो लाठीचार्ज से हुआ की जरूरत नहीं है, सर ऐसी रिपोर्ट है नहीं कह रहे हैं। हाँ जी, सन SSP ਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ। ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਗੁਲਾਬੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਰ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਛਾਤੀ ਹੀ ਗਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ।